सारे के सारे इमाम जवाब है, लेकिन
इस ईमान को यानी नवे ईमान को आपकी जिंदगी के अंदर जिस सिफत ने बहुत ज्यादा जहूर किया वो आपकी सिफत झूठ थी और सिफत तकवा था। तभी जो आपका लकब है और हमारे इस खित्ते के अंदर इस ईमान को तभी के लकब से जब हम अपने बच्चों को याद कराते हैं तो हम ये कहते हैं नबी इमाम कौन है, इमाम तकी अलैहिस्सलाम। यानी इमाम का नाम अगर हम बच्चे से पूछे तो शायद उस बच्चे को ना बताओ कि नाम मोहम्मद है, लेकिन वो लकब से हमारे बच्चे पहचानते हैं। यानी ये लकब इतना ज्यादा शोहरत रखता है कि नाम के ऊपर गालिब आ गया इमाम मोहम्मद तकी। और अगर हम अरब माशरे में चले जाएं, फारस माशरे में चले जाएं, तो वहां पर इस इमाम की दूसरी सिफत दिखाई देती है, वो है जूद। और ये दोनों वो सिफात है कि जो दुश्मन ने जिन सिफात का जिक्र किया, दुश्मन ने वो अफराद के जो अहले बैत के दुश्मन है, वो अफराद के जिन्होंने हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहकाम की मुखालफत की, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में एक अपनी राय को यानी कुरान और अहले बैत के मुकाबले में अपनी राय को पेश किया, वो अफराद भी जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का नाम सुनते हैं या उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि ये इंसान बहुत बड़ा मुत्तकी था, बहुत बड़ा परहेजगार था, इतना जूद और सखा का मालिक था कि इसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। इब्ने तैमिया जैसा मरूम इंसान भी जो है इमाम की तारीफ करता हुआ दिखाई दे रहा है, हस्करी जैसा मुबहिस इंसान जो है वो इमाम की तारीफ में ये कहता हुआ दिखाई देता है कि अपने जमाने में इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं था, कोई परहेजगार नहीं था, कोई जूद और सखा का मालिक नहीं था। यानी इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के जो नहायत कम से है 25 साल की उम्र में आपकी शहादत हो गई, यानी तारीख इमामत में एक कमसन तरीन इमाम जो कमसनी में मंसब इमामत पर फाइज हुए और नौजवानी और जवानी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस इमाम की ये दो सिफतें कौन इन सिफात का इजहार कर रहा है, वो अफराद के जो इमाम को मानते रहे। क्यों ऐसा क्या हो रहा था? हमारा अकीदा यह है कि सारे के सारे इमाम जो है वो तक्वे के आला दर्जे पर फाइज है। इमाम मौला कायनात कौन है? इमाम मुत्तकीन है, मुत्तकियों का इमाम है। लेकिन लखब किसको कहा, किसके लिए दिया गया तकी का? आपके इस पर्सन को। सारे के सारे तकी है, सारे के सारे परहेज होता हुआ के आला दर्जे पर फाइज है। अमीर मौलवी की जूद और सखावत कुरान मजीद कसीदा पढ़ता है, लेकिन जूद और सखावत इमाम जवाद अलैहिस्सलाम आइमे मासूमीन के दरमियान एक खास शोहरत रखती है कि अगर किसी को इतनी शोहरत रखती है कि लोगों की जबान के ऊपर ये जुमले दिखाई देते हैं। और मेरा खुद भी तजुर्बा है कि अगर इंसान को दुनिया चाहिए तो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाए। यानी अगर इंसान को दुनिया चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, माल है, दुनिया चाहिए, इमाम जवान इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाए, इमाम से तवस्सुल करे, खाली हाथ नहीं पलटता। ये आजमूदा शुदा है। बात तो कहते हैं जिनका घर नहीं है उनके बारे में कहते हैं, ईरान के अंदर मशहूर था कि मशहूर है कि अगर घर चाहिए तो इमाम जवाद से मांगो, अगर घर चाहिए तो इमाम जवाद से मांगो, अगर मिल जाए तो क्या। यानी नजर करें कि आप जो है अगर परवरदिगार आलम के तुफैल इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मुझे घर अदा करेगा तो मैं 9 बुध हर बुध को इमाम जवाद अलैहिस्सलाम का जिक्र अपने घर में करूंगा। आपकी सखावत इतनी मारूफ है उलमा के दरमियान, मुतदय्यिनीन के दरमियान, कि फारसी की ज़बर मसल बन गया कि खूने भी खाई और पीछे इमाम जवाद, अगर घर चाहिए तो जाओ। और ये मेरा अपना भी तजुर्बा है और मैंने कुछ लोगों को बताया तो उन्होंने भी आकर मुझे इस चीज की नबी तो खुशखबरी सुनाई और मैंने खुद जाकर उनके घर पर मजलिस भी पढ़ी। तो ऐसा मतलब जूद और सखा
रिवायत कहती है, तारीख कहती है कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप कोई अगर आता था तो अपनी जबान खोले बगैर अपनी मुराद को लेकर जाता था। एक शख्स इमाम की खिदमत में गया, मखरूज था, परेशान था, कहता है मैंने देखा इमाम मुसल्ले पर बैठे हैं। मेहमान के इमाम ने नमाज खत्म की, मेहमान की खिदमत में जाकर बैठा, कहा मौला बहुत तंदरुस्त हूँ, परेशान हूँ। इमाम ने मुसल्ले को हटाया, वहां से कोई चीज उठाकर मेरे हाथ में थी, देखा तो कुछ मिसकाल सोना था। जब मैं लेकर गया उसको जब बेचा तो वो सारा का सारा उतना था जितनी माल की मुझे जरूरत थी। यह एक काफला तारीख लिखती है, उलमा ने इस वाक्य को नकल किया, अल्लामा मजलिसी ने नकल किया कि एक काफला था जो मदीने की तरफ आ रहा था, रास्ते में डाकू ने लूट लिया, किसी के पास कुछ नहीं। एक आशिक इमाम कहता है कि मैं खाली हाथ है, मदीने पहुंच चुके हैं, कहा जाते हैं पहले रसूल खुदा की ज्यारत करें फिर उसके बाद इमाम की खिदमत में ज्यादा करेंगे। इमाम की खिदमत में पहुंचा, जैसे ही पहुंचा इमाम ने अपने गुलाम को बुलाया, कहा कि इसको बेहतरीन लिबास अदा करो और फला मकाम पर जो इतनी जो रकम है वो उसको दे दो। वो रकम वो थैली उसके हाथ में दी गई और इमाम ने कहा कि जाओ अपने काफिले में जिस जिसके जितने जितने पैसे जिस जिसके जितने जितने पैसे डाकुओं ने छीन लिए हैं उनको उतने उतने पैसे दे दो। रावी कहता है कि मैंने सबको सबकी छीनी हुई रकम के बराबर रकम उस थैली से निकाल कर दी, वो पूरी की पूरी रकम उतनी ही थी जितनी सबकी छीनी थी। जो आप इस इमाम को तकी कहते हैं, तकवे का आलम यह है कि इमाम को ऐसे माहौल के अंदर घेरा जा रहा है कि किसी तरीके से इमाम के दामन पर कोई धब्बा लग जाए। जबरदस्ती उम्मे फजल के साथ इमाम की शादी कराई जाती है। तारीख कहती है कि 100 कनीजें थीं जब इमाम उसके दरबार में आए थे, जो गाय भाई खड़ी थी पैसे लुटा रही थी, लेकिन इमाम की निगाहें ऊपर नहीं उठी। इमाम अपनी जगह पर जाकर बैठे, इमाम की पलकों ने जुम्बिश नहीं की, यहां तक कि आपका अब हो गया। क्या चाहते हैं? किसी तरह इमाम इस दुनिया की तरफ देख लें, इमाम के तकवे के ऊपर, इमाम की परहेजगारी के ऊपर कोई हर्फ आ जाए। लेकिन तकवे का आलम यह है कि इमाम परहेजगारी का एक आलम यह है इमाम के कितनी कोशिश करनी दुश्मन ने, यानी इतनी मजलूमियत है इस इमाम की कि तारीख में लिखा है कि उम्मे फजल खुदा लानत करे उसके ऊपर, ये तारीख की दूसरी ज्यादा है। एक इमाम हसन मुश्तबा के घर में थी, दूर भी है। इमाम अपने घर के अंदर जब जाते थे तो तारीख कहती है कि कनीजे हाथ में शराब के गिलास लेकर जाम लेकर इमाम के आसपास आकर बैठ जाती थी। हत्ता तारीख ने लिखा कि इमाम को पेशकश की जाती थी। इमाम के तकवा तकवे के ऊपर किसी तरह से कोई उंगली उठ जाए, लेकिन ये वो इमाम है कि जो मजहब है सिफात पर परवरदिगार है, ये हुज्जतुल्लाह है, ये खलीफतुल्लाह है। ये लोग नहीं पहचानते किस इमाम को आकर किस चीज की दावत देना है, लिहाजा वो मालूम एक मरतबा मामून से कहता है कि अगर जरा बराबर भी दुनिया की मोहब्बत होगी ना तो मैं जब गाऊंगा ना तो ये मेरे साथ हो जाएंगे। हाथ उठाता है बांसुरी और मुख्तलिफ आलात बजाना शुरू करता है। इमाम की निगाहें नीची है, इमाम के वजूद पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा, पूरी महफिल गर्क हो चुकी है लहव लाइफ में, लोग उठकर अपने आवाज बांकता हो चुके हैं, लेकिन इमाम की शख्सियत पर कोई असर नहीं आता। यहां तक कि एक मरतबा इमाम अपना सर उठाते हैं और एक जुमला कहते हैं उस शख्स को कि जो इमाम को इस जानिब खींच रहा था, इमाम उससे मुखातिब होते हैं और उसको ये कहते हैं इत्तके इत्तकिल्लाह या जर असलून,
اے نبی داڑھی والے خاموش ہو جاؤ, تقوی الہی اختیار کر. روایت کہتی ہے کہ یہ شخص اس کے ہاتھ کم کپاتے ہیں, وہ جو اس کے ہاتھ کے اندر جو چیز تھی وہ زمین پر گرتی ہے, اس کے بعد جب تک زندہ رہتا ہے کبھی ان آلات ناسکی کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا. یہ زبان معصوم سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر ہے, یہ کس کو غلط فہمی میں مبتلا ہے. تو اس کا مطلب یہ آج اس امام کی شہادت کریں. ایک سوال پڑھے اور تھوڑا سا آگے جائیں, اس سے پہلے کہ میں امام کی سیرت کی طرف اشارہ کروں, ایک حدیث امام سے قبر ٹکر, کیونکہ امام کا دن ہے, امام کے کلمات ہم سب کو رسول کی حدیث کے مطابق دو ہی چیزیں ہمارے پاس, ایک قرآن دوسرا اہل بیت. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان دو ناسے سے, ان دو نصیحت کرنے والوں سے بہتر کوئی اور نصیحت کرنے والا نہیں ہے, یا قرآن ہی اہل بیت ہے. کوشش کرنی چاہیے ان کی سنیں. اور کیسے سنیں؟ انہوں نے خود بتایا ہے کہ جب سننے کی بات ہو نا تو ایک پہلی بات تو یہ کہ ہر کسی کے سننے کے لیے کھڑے مت ہو, توجہ کیجیے گا. آج کل کا جو زمانہ ہے کہ جناب جیسے ہی میسج آتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے سنتے ہیں, نہیں, اب وقت یہ آ گیا کہ بغیر سوچے سمجھے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. کیوں؟ امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. قرآن بھی آپ کو یہ دعوت دیتا ہے اور آئمہ معصومین بھی اسی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ہر کسی بھی چیز کو سننا نہیں چاہیے, اور اگر کوئی سننا چاہتا بھی ہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی سننے کے بعد اس کے تحت اثر واقع نہیں ہوگا. نہیں معلوم سامنے والا اتنا مضبوط آدمی ہے, میں کمزور آدمی ہوں, اس کی بات میرے اوپر اثر کر جائے اور میں خسرت دنیا والا آخر ہو جاؤں. ابلیس کتنے لوگوں کو صبح سے لے کر شام تک بہلاتا ہے, کتنے ہوتے ہیں کہ جو اس کی بات نہیں سنتے, اکثریت سننے والوں کی ہوتی ہے. تو لہذا وہ شخص محفوظ رہا کہ جس نے سنا ہی نہیں. لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ نہیں کچھ بھی کچھ نہیں ہوتا, ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے, لہذا انسان کوشش کرے کہ سنے ہی نہ. اگر سننے کی طاقت ہے, اس کو برداشت کرنے کی, اس کے اندر غور و فکر کرنے کی, اس میں اچھا اور برا سمجھنے کی, تو انسان سنے, ورنہ سننے سے گریز کرنا بہتر ہے انسان کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ من اصغى الى ناطقٍ فقد عبده, جو شخص کسی بات کرنے والے کی بات کے اوپر کان دھرتا ہے, فقد عبده, تو اس نے اس کی عبادت کی. اب یہاں علماء کہتے ہیں عبادت یعنی اطاعت, یعنی اس نے اس کی اطاعت کی. آپ نے جس کی بات سنی, جس کی بات پر کان دھرے, آپ نے اس کی عبادت کی. آدھی امام فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَلَى اللَّهِ, اگر یہ نطق کرنے والا, اگر یہ بولنے والا اللہ کی طرف سے ہوگا, فقط عبد اللہ, تو تم نے اللہ کی عبادت کی, اللہ کی اطاعت کی. لیکن وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَن لِسَانِ اِبْلِيسِ, اگر یہ بولنے والا ابلیس کی زبان سے بول رہا ہوا, تو تم نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے, فقد عبد ابلیس, تم نے ابلیس کی بات سنی, تم نے ابلیس کی اطاعت کی, تم نے ابلیس کی عبادت کی. لہذا قرآن مجید میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے, فبشر عبادی الذین یستمعون القول, میرے بندوں کو بشارت دے دو کہ جو میرے قول کو سنتے ہیں. اللہ کا قول ہے, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان بندگان کو بشارت دے دو کہ جو قول سنتے ہیں, بات سنتے ہیں. یہ جو کان پروردگار عالم نے دیے کس لیے دیے؟ سننے کے لیے. تو یہ باتیں سنتے ہیں, لیکن ہر کسی کی بات کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے, بلکہ ہم پروردگار فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ,
उन आत्मा के अंदर जो बेहतरीन कॉल होता है उसका इंतजाम करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये तो वो लोग हैं कि जिनके अंदर इतनी सलाहियत पाई जाती है, इतनी ताकत पाई जाती है कि अच्छे को बुरे से जुदा कर सके। हम में से अक्सर तो वो होते हैं कि जिनके अंदर ये ताकत नहीं है। लिहाजा हमारे सामने कोई भी आकर, कोई भी मुकद्दस चेहरा रखने वाला आकर कुछ भी बोल दे तो हम कहते हैं उसकी बात को ऐसे ही तलक्की कर दे जैसे कुरान, जैसे वही नहीं। हर वो शख्स के जो इधर बैठा हुआ है, मेंबर में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, किसी अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, उसकी जबान से निकला हुआ कलमा कोई वही मुंजिल नहीं है। लिहाजा कुरान मजीद ये कह रहा है फयत्तबिउना आसना, हर चीज को सुनने के बाद उसके ऊपर अमल नहीं करते बल्कि इत्तेबा उसकी करते हैं जो आसन होता है। बस इमाम भी यहां पर इस कॉल के अंदर, इस रिवायत के अंदर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तहकीक कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तहकीक करने की ताकत नहीं है तो तुम उसके ऊपर कान मत धरो, एहतियात करो, नहीं सुनो। मन असवाइला ना देखें, किसी भी बोलने वाले की बात पे कान धरना यानी उसकी इताअत करना, उसकी इबादत करना। इंसान उसका स्पोक्समैन हो जाता है, उसी की बात को फिर आगे बढ़ा रहा होता है। लिहाजा एहतियात की जरूरत है, खासतौर पर आज के जमाने में कि हक को बातिल से तशखीस देना बहुत मुश्किल है। लिहाजा अगर तहकीक करने की हिम्मत है तो सुने, और अगर तहकीक करने की हिम्मत और ताकत नहीं है, मैं खुद अपने आप को जानता हूं कि मैं इस बात बारे में कोई राय देने की सलाहियत रखता हूं, इस काबिल हूं कि मैं इस बात का सामना कर सकूंगा। लिहाजा हमारे उलमा क्या कहते हैं, कहते हैं हर किस्म की किताब को पढ़ने की इजाजत नहीं देते। अब कुछ किताबें हैं कि जिनको कहा जाता है कुतुबे ज़ाल्ला, जिनको पढ़ने के बाद इंसान गुमराह हो जाता है। इसी तरह से कुछ कॉल भी ऐसे होते हैं कि जिनको सुनने के बाद इंसान गुमराह हो जाता है। बस अगर कुरान और अहले बैत तुम्हें किसी चीज के बारे में कहता है तो उसमें तहकीक करने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है, ये वलीउल्लाह का कलाम है, ये कुरान नाते थे, वो कुरान सामित है, उसमें तहकीक की जरूरत नहीं है, उसके अंदर तो तहकीक की गुंजाइश ही नहीं है, वो तो जैसा आया है वैसे ही तुमने करना है। जब कुरान तुम्हारे सामने तिलावत किया जाए तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, फर्स्ट समय उसको गौर से सुनो, उस पर अमल करो। अहले बैत की गुफ्तगू हो रही है तो उसको सुनो, अहले बैत का कलाम अगर सही कलाम तुम्हारे सामने पढ़ा जा रहा है तो उसको सुनो, उस पर अमल करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो ये इमाम की आज की इस मजलिस में इमाम का एक दिया हुआ तोहफा कि हर किसी की सुनकर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश नहीं करें। सबसे पहला तो कि हर किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है, और अगर इंसान अपने आप को समझता है कि वो इस काबिल है, इतनी उसकी उसके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, इल्म है कि वो सही को बातिल से तशखीस दे सकता है तो सुने, वगरना इंसान उसका बंदा हो जाएगा, उसका इताअत गुजार हो जाएगा। एक मर्तबे की सलावत तारीख, अगर हम अंबी आयमे मासूमीन की तारीख को देखें तो 12 इमामों में 3 इमाम ऐसे हैं कि जिनका तज़किरा होता है, 3 इमाम। कुछ मासूमीन ऐसे थे कि जो रसूल के हयात तैयबा में जिंदगी गुजार रहे थे, रसूल खुदा ने उनका तारुफ कराया, रसूल खुदा ने उनकी पहचान करवाई, रसूल खुदा का उनके साथ रवैया लोगों ने देखा। शहजादी इब्राहिम के लिए रसूल खुदा ने फरमाया फातिमा बसत मिन दी, सब जानते थे। अमीर मोमिनीन की शनाख्त कुरान और रसूल खुदा ने करवाई, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत खुद रसूल खुदा ने अपनी उम्मत से करवाई। लिहाजा ये तो वो शख्सियात थी कि जो खुद रसूल खुदा के जमाने में मौजूद है, सब जानते हैं, दुश्मन भी जानता है, दोस्त भी जानता है, किसी से इनकी अजमत पोशीदा नहीं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब
इमाम हुसैन के बाद चौथे इमाम आए तो अब करबला का वाकया हुआ था और चौथे इमाम ने मुख्तलिफ सफर तय किए थे, लिहाजा चौथे इमाम की शख्सियत भी तमाम इंसानों के सामने बिलखुसूस मुसलमानों के सामने बिल्कुल वाज़ह थी। और जब पांचवें और छठे इमाम का जमाना आया तो वह इल्म का जमाना था। मदीने के अंदर जो भी इल्म हासिल करने गया, जिसने भी रसूल खुदा के दीन की पैरवी करने की कोशिश की और मदीने पहुंचा तो उसने दो ही नाम सुने, काल अल-वाकिर काल अस-सादिक। उनकी हयात में ही इमाम मूसा काज़िम आ गए थे, अगरचे जिंदान में रहे लेकिन लोग पहचानते थे फर्जंद रसूल है, इमाम है। और फिर जब आठवें इमाम का जमाना आया तो आठवें इमाम को क्योंकि वली अहदी भी जबरदस्ती आपके ऊपर डाल दी गई तो आपकी शोहरत भी जो है वो आम और खास के दरमियान में गई। लेकिन आठवें इमाम के बाद नवे इमाम, दसवें इमाम, ग्यारहवें इमाम, ये जो तीन इमाम हैं ये तारीख के अंदर बहुत कम दिखाई देते, कितना कम दिखाई देते आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए आज की बात ना करें कि आप और मैं इन इमामों को किस तरह से पहचानते हैं, आप और मैं और यहां बैठा हुआ सबसे छोटा बच्चा जब उससे हम सवाल करेंगे ना तो वो कहता है फौरन कि इमाम कितने का, 12 इमाम, एक एक इमाम का नाम भी बताता। लेकिन उस जमाने में हालात ऐसे थे कि जो जलीलुल कद्र सहाबी, जिन्हें हम आज जलीलुल कद्र सहाबी जानते हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि इमामों की तादाद कितनी है। ये जो हदीस आप तक पहुंची है ना रसूल खुदा की, और आप बिल्कुल अलग ऐलान कहते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया, तारीख के अंदर ऐसे हालात थे कि उस जमाने में, यानी सातवें इमाम, आठवें इमाम, नवे इमाम, दसवें इमाम, ग्यारहवें इमाम के जमाने में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि कितने इमाम हैं। यानी रसूल की हदीस के जो अहले सुन्नत से भी हम तक पहुंचती है, हमारे अपने शिया रावियों के जरिए भी हम तक पहुंचती है कि मेरे बाद मेरे पारस जानशीन होंगे वो कौन कौन से होंगे, आप सब उनके नाम जानते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा ऐसे हालात थे कि खुद मासूम इमाम के पास आकर, आठवें इमाम की खिदमत में आकर आपका एक सहाबी कहता है, अब मौला आप जो है वो वही इमाम है कि जिनको तुरानी रहमत होगी, आठवें इमाम से कहता है, नहीं जानता। नवे इमाम, इमाम जवाब की खिदमत में आता है, इमाम का सहाबी इमाम से पूछता है कि आप जो है इमाम है, आप जो है कौन से इमाम है, नहीं पहचानता। नवे, दसवें, ग्यारहवें, बारहवें इमाम को भी अलग कायदा, इनको नहीं पहचानना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बारहवें इमाम की निस्बत से खुद रसूल खुदा से और फिर हर इमाम से खास ताकीदात हमें मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। हत्ता छठे इमाम ये कहते हैं, जब जुरारे ने सवाल किया, कहा मौला अगर मुझे आखिरी जमानत देखना नसीब हो तो क्या करूं, कहा दुआ करना, अल्लाहुम्मा अग्रिमनी हुज्जतक, परवरदिगार तो मुझे अपनी हुज्जत की मारफत अता फरमा दे, फा इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, अगर तूने मुझे अपनी हुज्जत की मारफत अता नहीं की तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। यानी छठे इमाम अपने सहाबी को कह रहे हैं कि एक जमाना हमारा एक फर्द ऐसा है कि जो पर्दा गहमत में जाएगा, लिहाजा आठवें इमाम से कह रहे हैं कि आप वही हैं, नहीं जानता कि आठवें इमाम है, बारहवें इमाम है, नवे इमाम से इस किस्म के सवाल हो रहे हैं। तो ये जो तीन इमाम है ये तारीख का एक सितम है और उस जमाने के हुक्मरानों की एक साजिश। और तीसरी चीज आयम मासूमीन की सिंह, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो रुकावट बनती हैं आयम मासूमीन की शनाख्त में। यानी तारीख में लिखा है इब्ने असीर जो एक मुबर्रिक है कि जो उस जब तारीख लिखता है तो वो जो दूर तरीन नुक्ता है इस्लामी मुमलिकत का, कि जब उसके बारे में लिखना शुरू करता है तो उसकी जुजियात ऐसी ऐसी बातें जिनकी जरूरत भी नहीं है उसको भी लिख डालता है। लेकिन जब इमाम तकी अलैहिस्सलाम के बारे में लिखने की बात आती है तो 5 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखता। तबरी मुबर्रिक है, बहुत बड़ा मुबर्रिक है, लेकिन जब इमाम जवाद के बारे में लिखता है तो 1 लाइन से ज्यादा नहीं लिखता। क्या है? अब ये मुख्तलिफ किस्म की तहलीलात हैं कि क्यों, क्या इनके पास इमाम से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं थी? यकीनन कम थी।
इमाम दूर है, नवे इमाम, दसवें इमाम, ग्यारहवें इमाम लोगों की पहुंच से दूर है। वकालत का सिस्टम राइज हो चुका है, अब अक्सर मामला जो है वो खत व खिताबों के जरिए हो रहे हैं। लिहाजा इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के जो खुदूत हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुदूत से ज्यादा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किसी को कोई मसला दरियाफ्त करना होता था, इमाम की खिदमत में पहुंच जाता था, लेकिन इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में अगर कोई किसी को मसला दरियाफ्त करना है तो वो खुद नहीं पहुंच सकता। उसने क्या करना है, उसने खत लिखकर भेजना है, आपके मोतबिनीन को देना है, वो लेकर जाएंगे, इमाम के पास पहुंचेगा, इमाम जवाब देंगे। बहुत महदूदियतें हैं, बहुत फर्क है। तो मुख्तलिफ किस्म के अवामिल हैं कि जिनकी वजह से इन इमामों को नहीं पहचाना गया। उनमें से एक आमिल क्या है, आपकी कमसिनी। अब इस कमसिनी में दो चीजें हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना, अगरचि परवरदिगार आलम ने इसकी इस मेंटेलिटी को पहले ही तोड़ दिया था। परवरदिगार आलम के नजदीक जो है सिन का कोई तसव्वुर ही नहीं था, लिहाजा परवरदिगार आलम ने हजरत ईसा को गहवारे में नबूवत अता कर दी, ताकि आइंदा कोई आकर ये ना कहे कि साहब हुज्जत खुदा के लिए मसलन 60 साल 40 साल होना जरूरी है। हजरत यहया को बना दिया कमसिनी की उम्र में, आप किसी के पास बोलने का मकाम नहीं है कि आकर कोई कहे कि जनाब। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि तारीख के अंदर मुख्तलिफ मोड ऐसे दिखाई देते हैं कि अगरचे अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 33 बरस है, लेकिन 33 बरस 33 ईयर्स 33 साल के हैं, उसके बाद भी अमीर मोमिनीन के लिए कहा जाता है ये जवान है ये बूढ़े हैं। लोगों के जहनों में ये जो उम्र है इसकी कितनी अहमियत है, इस्लाम इसको कोई वैल्यू नहीं देता। रसूल खुदा ने अपनी हयात तैयबा में मुख्तलिफ लोगों को, बहुत ही कम से लोगों को अपने लश्करों का सिपाह सालार बनाकर भेजा, जवानों को भेजा, बूढ़े उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब रसूल खुदा चले गए तो तारीख गवाह है, गदीर अभी चंद ही दिन पहले गुजरी है, तारीख कहती है कि फौरन वहां पर ये आवाज उठी कि अली जो है वो उनकी उम्र कम है, लिहाजा मसलन फना साहब जो है जिनकी उम्र ज्यादा है उनको इसके लिए इंतखाब किया जाए। यानी ये मसला उस जमाने में भी है जबकि रसूल खुदा की नस मौजूद है, रिवायत मौजूद है, गदीर मौजूद है, खुतबा गदीर रसूल खुदा का अभी लोगों ने भुलाया नहीं है, अपना अमल जो किया था अली के साथ बैत की थी भुलाई नहीं है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहां पर ये आवाज बुलंद हो रही है, अली की उम्र कम है जबकि 33 साल है। जब 33 साल वाले शख्स को ये लोग कबूल नहीं करते तो जिसकी उम्र 7 साल हो 8 साल हो उसे कैसे कबूल करेंगे। एक सवाल पड़े मोहम्मद वाला, एक मसला बिलाखिर इसकी अहमियत थी, इससे सुए इस्तेफादा किया गया, और ये वो चीज थी कि जिसमें शैतान ने अपनों को भी मुब्तला किया और मुखालिफिन को भी। लिहाजा इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के जमाने में आप एक मसला जो बहुत ज्यादा कसरत से देखते हो क्या है, वो मसला है मुनाजरा, इल्मी मुबाहसा। इमाम जवाद के जमाने में बहुत ज्यादा क्यों है, क्या सबब है? उसकी एक वजह यह है कि उस जमाने के अंदर जो एक रस्मी ऑफिशियल दीन जो है, नजरिया जो है, अकाइद जो है, वो मोतजिला के हैं, और मोतजिला वो है कि जो अक्ल की बुनियाद पे तमाम चीजों को कबूल करते हैं। जब वो 7 साल 8 साल की के एक बच्चे को अपनी निगाहों के सामने देखते हैं, कहते हैं कि इमाम नहीं हो सकता, क्यों अक्ल कबूल नहीं करती, जबकि परवरदिगार ये अपनी नाकिस अक्ल से ये फैसला कर रहे हैं कि ये इमाम हो ये इमाम ना हो। परवरदिगार आलम अगर आज 7 साल और 8 साल वाले पे एतराज है तो कल ईसा के ऊपर भी एतराज करो, याहिया पे भी एतराज करो। ये क्योंकि अपनी नाकिस अक्ल के ऊपर भरोसा कर रहे थे, लिहाजा अब
इमाम को कबूल नहीं करते, क्या करें? कहा अब चेक करना पड़ेगा कि ये बच्चा इस काबिल है कि हम इसकी माने, इसकी सुने, इसकी इताअत करें। एक मसला मुतजिला है, मुतजिला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा मसला खुद अब्बासी है कि उनकी अभी इमाम रजा अलैहि सलाम की शहादत के बाद वो ये समझते हैं कि हमारी जान छुटी है। मामून पे एतराज करते हैं, कहा कि अभी तो हमारी जान छुटी है, एक मरतबा फिर तुम आले अली को लेकर आ गए, अपनी बेटी दे रहे हो, रिश्तेदारी को कर रहे हो, तारीफ कब आए कि वो क्या कहते हैं, वो जो हुज्जत लेकर आते हैं मामून के सामने, उससे कहते हैं कि ये इस वजह से कि बच्चा है, यानी ना इसके पास इल्म है ना इसके पास फसल है। तो मामून कहता है कि तुम आले अली को पहचानते नहीं हो, लिहाजा वहां से मुनाजरे शुरू होते हैं। वो जो हुकूमती मुफ्ती हैं, मर्जे हैं, जो सबसे बड़े फतवा देने वाले हैं, वो आकर वहां पर इमाम के साथ मुआयसे करते हैं, मुनाजरे करते हैं, और हर एक को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। वो बूढ़े बूढ़े अफरा छठे इमाम की एक रिवायत मुझे याद आती है कि इमाम फरमाते नाहनुल महसूदीन, हम मौलिद हसद वाकई में, यानी ये जो हमारी जो शहादत हो रही है उसका एक सबब क्या है, हसद है। इमाम जवाद अलैहि सलाम जो 7 साल 8 साल 10 साल की उम्र में बड़े बड़े उस जमाने के मुफ्तियों को शिकस्त दे रहे हैं, मुनाजरा हो रहा है, कभी वो मुफ्ती आजम जो फतवा दे रहा है कि हाथ को यहां से काटा जाए, तो इमाम को जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जाता है और पूछा जाता है कि आप बताइए आपकी क्या राय है। जब इमाम अपनी राय देते हैं तो वहां पर बिल्कुल मुखालिफ राय सामने आ रही है, क्या करें? दलील, जब दलील इमाम के सामने आती है तो सब खामोश है, जब मुनाजरे की बात आती है, सवाल करने की बात आती है, तो वो सबसे बड़ा आलिम मामून के दरबार के अंदर मौजूद है, इमाम से सवाल करता है, लेकिन जब इमाम सवाल करते हैं तो जवाब देने की ताकत नहीं है। लिहाजा जो मुनाजरा हो रहे हैं उसका एक सबब क्या है, इमाम की कमजोरी, इमाम की कम उम्री। लिहाजा यहां पर तारीख बताती है कि दोस्त और दुश्मन दोनों मुश्किलात में शिकार हुए। दोस्त भी इमाम को कबूल करने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं है, यानी इमाम रजा को मानते थे लेकिन इमाम जवाद के मामले में आकर रुक गए। और इमाम जवाद अलैहिस्सलाम वो है कि जिनको कहा जाता है कि बाबरकत तरीन मौलूद, अहले बैत के घराने का बाबरकत तरीन मौलूद, ये जवाद लाए हैं। इनसे बाबरकत बच्चा इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। और यही वो इमाम है कि जिनसे इमामत जो है वो 12वें इमाम तक तदाबुन पैदा करती है, कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि 8वें इमाम का इनकार कर चुके थे, वाकफिया, जैदिया, इस्माइलिया, ये सारे के सारे जो गिरोह पैदा हो रहे थे, कोई इमाम मूसा काज़िम पर आकर रुक रहा है, लेकिन इमाम रज़ा के बाद जो आपको ताने दिए जाते थे, जिस तरह रसूल खुदा को ताने दिए जा रहे थे, रावी कहता है इमाम से कहा कि आपकी तो कोई औलाद नहीं है, ये सिलसिला आपका खत्म। तो इमाम ने कहा मुझे अनकरीब पर परवरदिगार आलम एक बेटा अता करे, ये बाबरकत बेटा, कि जो इमाम मोतजिला से, जहदिया से मुनाजरा कर रहा है, इफराती, वो अफराद के जो मोहब्बत अहले बैत में गुरू कर रहे हैं, इमाम बुलाकर समझाते हैं, कहा देखो परवरदिगार आलम ने हर अमल को हमारे इख्तियार में दिया है, लेकिन हम उसके इज्जत से हलाल और हराम कर रहे हैं, ना आगे बढ़ो ना पीछे रहो, आगे बढ़ोगे तो भी गुमराही है, पीछे बढ़ोगे भी तो भी मौत है, इमाम के साथ रहना है। इमाम इन फिरकों को बाकायदा अलल ऐलान ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये जालना है, ये दीन से खारिज है, इनकी किसी किस्म की मदद करने की जरूरत नहीं है, ज़कात देने की जरूरत नहीं है, इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। इमाम अलल ऐलान कह रहे हैं, मतलब
ईमान का जमाना जो इतना सख्त है, आप सोचिए 25 साल की सेना किस तरह मामून और मुतसिम के जमाने में आपका ईमान मदीने से बगदाद को लाया जाता है और बगदाद में आपको हुक्मरानों के दरमियान जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। ऐसे में इमाम ने कम हदीस बयान नहीं की, हम तक पहुंची है। आज आप खुश नसीब हैं कि आपको 1000 साल गुजरने के बाद भी एक एक चीज का इल्म है, लेकिन उस जमाने में रहने वाले शाह अब्दुल अजीम हसनी जिसका मकाम है मर्तबा है, उस जैसा शख्स जलीलुल्कदर शख्स के जिसकी ज़ियारत का इतना सवाब है नहीं जानते, इमाम से सवाल कर रहे हैं इमाम जवाब से कि मौला आप बारहवें इमाम हैं। अब अंदाजा लगाइए आप कितनी आसानी से कह देते हैं हमारे 12 इमाम हैं, आप कितने सुकून से कह देते हैं कि 8वें इमाम वो है, 9वें इमाम वो है, 10वें इमाम वो है। उस जमाने में कितनी मुश्किलात थी, इतनी मुश्किलात के बाद ये दीन आप तक पहुंचा है इन्हीं असहाबे अइमा के जरिए से। लिहाजा हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस मकतब से वाबस्ता है कि जिस मकतब में खालिस मारिफ हम तक पहुंचे। ये इमाम की जिंदगी फैजा मतलब वो इमाम जिसने इतनी कम उम्र अहले बैत में आइमा की तारीफ के अंदर गुजारी, इस इमाम को कितनी सख्तियों का सामना करना पड़ा। सोचिए कि कितना मजमून था कि जिसकी मार्फत जिसके बारे में गुफ्तगु तारीख लिखने वाले अगर लिखते हैं तो 2 लाइनें 4 लाइनें 5 लाइनें कुछ नहीं था। ये आज इस इमाम की शहादत है। तारीख कहती है कि ज़िलक़ादा के आखिरी अय्याम में, आज मुझे नहीं मालूम चांद हो गया या नहीं हुआ, आखिरी ज़िलक़ादा इमाम की शहादत है। लेकिन इतना मजबूत इतना गरीब क्या आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जो अपने घर के अंदर गरीब हो उससे बढ़कर कोई गरीब नहीं हो सकता। मैंने अर्ज किया कि अहले बैत के यहां दूसरी ज्यादा है, एक ने इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया और दूसरी ने इमाम जमात को। इमाम जमात की मजलूमियत कितनी है आप सुनेंगे। आमतौर पर जिक्र किया जाता है, उलामा ने लिखा है इमाम जमात को जो जहर दिया गया है ना, उस जहर के बारे में कहा जाता है वो क्या था, कहा कि जहर शौकारान, शौकारान ऐसा जहर है कि जिसको पीने के बाद अगर किसी इंसान के वजूद में दाखिल हो जाए तो तारीख कहती है कि सबसे पहले जिगर में आग लगती है और पांव इतने भारी हो जाते हैं कि इंसान कदम नहीं उठा सकता, इतना भारी होता है। आइमा मासूमीन में अगर किसी इमाम को खालिस तरीन जहर जहर शौकरान दिया गया है तो वह इमाम जवाब है साहब। वो ये मजलूम इमाम है कि जिसको शौकरान का जहर दिया गया है, इमाम रिजा को नहीं मिला ऐसा जहर जैसे इमाम जवाब को दिया है। उलामा कहते हैं तिब अहले तिब कहते हैं कि ऐसे कदम हो जाते हैं जैसे 300 किलो वजन उसके कदम से लटका दिया जाता है। अब अगर किसी के कदम पर 300 किलो का वजन हो किसी के पांवों पर तो वो पांव उठा नहीं पाता, लिहाजा जैसे ही वो जहर बदन में जाता है वो इंसान वहीं बैठ जाता है। अजीब मसलूमियत है। जहर देने वाला कौन है, वो जहर देने वाला है कि जो घर में रहता है। जब जहर दिया है ना तो इमाम ने जुमला कहा है उन्हें बस ये बता कि मैंने तेरे हाथ में कोई कोताही की है, मैंने किसी तेरे अजीज के साथ ना इंसाफी की है। लेकिन अजीज को तारीफ कहती है कि ये औरत एक मरतबा अपनी आंखों को झुकाए हुए कमरे से बाहर निकल रही है। अरे वो मुत्तकी इमाम जिसके बारे में तारीफ ने लिखा कि जब मेरा मौला अपनी गली से गुजरता था तो जो आस पास लोग होते थे वो इमाम के एहतराम में खड़े हो जाते थे, अपनी निगाहें झुका देते थे। आज उस इमाम को जहर दिया जा रहा है। अरे जहर देने वाली कौन है, अब वो बीवी है जो घर के अंदर मौजूद है और जहर भी शौकरान का जहर दिया गया। तारीफ
करके तो देनार की तारीफ करके सुनाई रखी थी कि जो सुनाई के अंदर पहले से जो है डाला जा चुका था। इमाम अपनी जगह से खड़े नहीं हो सकते थे, कमरे से बाहर निकली, दरवाजे को पुश से बंद किया, घर की सारी कलीलों को जमा किया, हाथों में ढोल बजाने के आलात आलात मौसी के लिए और कहा कि खूब शोर करो, खूब आवाज बुलंद करो, अरे कहीं ऐसा ना हो कि इमाम की आवाज बाहर आ जाए। अरे तारीख ने लिखा है एक मर्तबा एक कलील के जिसे इमाम की मजलूमियत पर रहम आता है, अरे एक छोटा सा प्याला उठाती है अपनी चादर में छुपा कर इमाम के हुजरे की तरफ देकर चली। उम्मे फज़ल ने देखा, कहा कि ये बता तेरे पास क्या है? कहा कुछ नहीं। करीब आई, देखा हाथ में कूदरा है जिसमें पानी भरा है, अरे कूदरे को जमीन पर फेंका। अरे उस करीज को मारना शुरू किया। वो करीज कहती है, ऐ उम्मे फज़ल अब तू मुझे मार या कुछ भी कर। अरे अरे जवाब राहिबा की आवाज आना बंद हो गई। अरे तू अपने मकसद में कामयाब हो गई। करीज कहती है, एक मर्तबा जब दरवाजा खोला तो क्या देखा? मेरा करीब इमाम नबी।